हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कौन से कंडीशन में होता है, ये हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितना होगा, ये पूरा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट। 12th के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज जो है हम इम्पोर्टेंट ऐसा डिफरेंस देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें पता है ईएमएफ का यूनिट जो है वो वोल्ट होता है, दैट इज जूल पर सेकंड, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वही होता है, दैट इज जूल पर सेकंड। दोनों का भी यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओके, और दोनों भी ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो क्या ये दोनों जो क्वांटिटी है उनका नेचर यूनिट सेम है और दोनों भी जो है वो एनर्जी के फॉर्म है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये आज हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसका जो टाइटल जो रहेगा हमारा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां ये साइड से हम ईएमएफ लेते हैं यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ओके, और ये साइड से हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। सेकंड जो पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज ओपन, इट इज प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज ओपन। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, it depends upon current drawn from the cell, it is not depends upon current drawn from the cell। मानो अगर सर्किट से हमने कल ही आपको समझाया है कि इनसाइड दी सर्किट में करंट कैसा फ्लो होता है, आउटसाइड की सर्किट में करंट कैसा फ्लो होता है, यानी करंट अगर
ड्रॉ भी होता है, मींस इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मींस इट्स वैल्यू इज रिमेन कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, मानो एक अगर ऐसा अगर सेल है, ऐसा अगर यहां पे अगर ये सेल है और ये सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट है, मींस जो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो रहेगा, मींस द एनर्जी सप्लाइड इट इज इक्वल टू 1.5 जूल टू मूव द 1 कूलम चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, टू मूव द 1 कूलम चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। ओके, तो यहां पे अगर सर्किट अगर ओपन है, इफ द सर्किट इज ओपन देन ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां पे हम फिफ्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, दैट इज द ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन। उसके बाद के भी पॉइंट रहेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद के भी पॉइंट रहेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद के जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यहां तक सेम रहेगा और यहां से चेंजेस क्या होगा, व्हेन सर्किट इज क्लोज, व्हेन सर्किट इज क्लोज। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज ओपन, इट इज ओनली प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज क्लोज, इट इज ओनली प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज क्लोज। अगर सर्किट अगर क्लोज अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, मींस हमने पिछले बार जो अभी जो देखा था वो सेल का एग्जांपल, ये होगा सेल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहां से अगर हमने ऐसे वायर में अगर ऐसा अगर यहां पे अगर ऐसा बल्ब अगर ऐसा जॉइंट अगर किया, ओके, तो यहां से 1.5 वोल्ट पोटेंशियल ईएमएफ हम अप्लाइड कर रहे हैं बल्ब के लिए, लेकिन यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से क्या होगा, लेस होगा, मींस इट इज ओनली प्रेजेंट व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता नहीं, इट इज नॉट अ फॉर्म। उसके बाद ये होगा सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहां पे क्या होगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन, इट इज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यहां पे सिर्फ हमें चेंज करना है, इट इज डिपेंड्स अपॉन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रहता है I into R, वो क्या रहता है I into R, R यानी रेजिस्टेंस। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है, EMF इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन, यहां हमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF व्हेन सर्किट इज क्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो ये हो गया हमारे फिफ्थ पॉइंट,
उसके बाद सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ व्हेन द सर्किट इज क्लोज। और यहां पे फिफ्थ पॉइंट जो देखा था हमने, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन, और क्लोज में क्या होगा फिर, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके बाद सिक्स जो पॉइंट होगा, सिक्स पॉइंट फॉर्मूला फॉर द करंट इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ओके, और उसके बाद यहां पे जो फॉर्मूला जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, उसके बाद सेवन जो पॉइंट रहेगा, सेवन पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर। यहां पे जो सेवन जो पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। एट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, जो उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑल्सो मेजर्ड बाय दी, इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय दी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्टमीटर से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, मेजर करते हैं। तो ये भी आप एट पॉइंट लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।